अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किंजास किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो है स्टैंड बनने वाला अचार। बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है, एक से दो दिन में खाने के लिए तैयार हो जाता है, वो लेकर आई हूँ। देखिए, ये आम एकदम कैरी एकदम टाइट लेना चाहिए, उसमें कड़क कैरी होना, दाग वाग लगा हुआ नहीं होना। अच्छी तरह से धोकर पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए थोड़ी देर तक उसको, और फिर ये सब निकालिए उसके साइड से, जहाँ भी जो दिख रहा है आपको, आपके हिसाब से आप बारीक करना चाहते बारीक करिए। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रेटर पे ग्रेट करा है, आप भी वैसे करिए, अच्छा बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है उसमें। और देखिए इसको ना, आप कितने भी 6-7 महीने भी रख सकते हैं। मेरा तो तकरीबन अभी 1 साल के करीब होने आ रहा है, अभी तक भी अच्छा है अचार, और कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है, फोड़ना काटने से बच जाते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा बारीक कर कर भी बताया है, और ये देखिए थोड़ा ये साइज़ में अच्छा बनता है, बड़े बड़े साइज में। ये देखिए, ये दिखने को भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, नए बच्चियाँ भी बना ले सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती है, ना 4-5 दिन धूप में ले जाना लाना, ये सब चीज़ों से बच जा सकते हैं। इसमें आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, और तेल भी बस इसमें ज़्यादा तेल भी डालना नहीं है, और मसाले तो अपने अचार की जैसे है, बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से पूरी ग्रेड हो गई हुई है। अब इसका मसाला बनाते हैं। उसके लिए 3 चम्मच साबुत धनिया लेना है, और 2 चम्मच सौंफ लेना है, और 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच काली मिर्ची, और 1 चम्मच मेथी है, 1 चम्मच राई है। इन सब चीज़ों को हल्के एकदम लो फ्लेम पर रख के रोस्ट कर लीजिए, और जब तक खुशबू नहीं आती जब तक रोस्ट करिए। बहुत अच्छा खुशबू से समझ जाएंगे आपकी ये तैयार हो चुका है। अब देखिए, इसको कोई चूल्हे पे आग वो लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए आप, इतना आसान तरीके से बन जाएगा। ये एक बड़े बाउल में डाल लीजिए इसको। देखिए, इसको एक बड़े बाउल में डाल लीजिए। इसके साथ है ना, 2-3 चम्मच हल्दी डालना है, 3 चम्मच नमक डालना है इसको, और 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं ना, आप छील कर उनको बारीक बारीक क्रश करके रख लीजिए। देखिए, मैंने 2 कलर की मिर्ची डाला है। अगर आपके पास पूरी, मेरे पास कम थी हरी मिर्ची, तो मैंने लाल थोड़ी सूखी हुई लाल मिर्ची भी डाली उसमें, आप भी डालना चाहते हैं तो डालिए। थोड़ी मिर्ची को भी धोकर पोंछ कर सुखा कर डालिए सब चीज़ों को। हल्दी नमक को अच्छी तरीके से मिला लीजिए इसमें, हल्के हाथ से मिलाना, ज़्यादा ऐसा गोल गोल ऐसा घुमाते नहीं रहना, पानी वो थोड़ा वो करता है फिर वो। ये देखिए, अब इसमें ना ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए पूरा, और तेल को भी थोड़ा जितना डालना है, हमने को 1 कटोरी डाली है अंदाज आता है, उसको गर्म करके थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची डालकर उसके अंदर कलर आने के लिए अच्छा लगता है बोल के, और वो उसमें डालकर गर्म कर लीजिए, और ठंडा हो गया बाद उसमें हींग डाल दीजिए। तो ये इन सब चीज़ों पे डालें तो जल्दी मिक्स हो जाएंगे हींग। ये देखिए, हरी मिर्ची लाल मिर्ची दोनों भी अच्छी भी लग रही है, आप भी ऐसी तरीके से डालिए, अच्छा लगता है बनाए वक्त भी। इतनी मिर्ची दोनों भी इतनी लगेंगी, 8-10 मिर्ची है लाल भी और हरी। अभी अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। ये जो मसाले रोस्ट कर रहे थे ना, उसको ये पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आती है बनाते टाइम ही। इसको भी अच्छी तरीके से मिलाए। ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्ची इसमें भी 2 चम्मच डालेंगे, और ये लहसुन ग्रेट करके रखा हुआ है वो, उसको जितना आप चॉप करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है उसका। थोड़े बड़े बड़े मत रखिए, 5 से 6 लहसुन की कलियों का है ये। ये अपनी तीखी लाल मिर्च भी डालिए 2 चम्मच। देखिए, मैंने बताया था ना, तेल गरम करके रख लिया, उसमें हींग मिला लेंगे। ये हींग भी अच्छी तरीके से मिला लीजिए, फिर तेल को ठंडा होने के बाद डालना है इसके अंदर। ये ठंडा हो गया है इसलिए मैंने इसमें हींग भी डाला है, अब इसके ऊपर डाल दो। पहले सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छा लग रहा है क्या नहीं बताइए।
कमेंट्स करके बताइए भी आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता है ना। इसमें 2 चम्मच कलौंजी भी डालना है मैंने इसमें, और बहुत अच्छे लगता है डाली आप भी। देखिए तेल ठंडा हो चुका है, अब इसको इसके ऊपर डाल दीजिए पूरा, थोड़ा थोड़ा कर डाल दिया, अगर नीचे का थोड़ा गर्म है तो रुक कर फिर बाद में डालिए। देखिए अब ये सब डालकर मिक्स कर लीजिए, अब आप चक्कर भी देख सकते हैं नमक वमक आपको ज़्यादा कम लग रहा है तो डालिए, नहीं तो ये तो परफेक्ट आप इसका इतना है 5 कैरी का, 1 किलो के करीब कैरी होंगी वो। देखिए ये ना आधी कटोरी विनेगर लिया है, अभी इसको भी इसमें मिला लीजिए, ये जल्दी बन जाता है और दूसरे दिन तैयार हो जाता है खाने के लिए। वैसे तो शाम तक ही हमने सुबह बनाए थे तो हम तो शाम तक ही खाने इस्तेमाल खाने के लिए ले लिया था, अभी आपके कब अगर आप रात में बनाते हैं तो सुबह तक भी तैयार हो जाता है, नहीं तो 2 दिन तो रखिए अच्छा हो जाता है जी। गिलास जार लीजिए ना तो एयरटाइट कंटेनर लीजिए, ये दोनों चीज़ों में अच्छा रहता है। ये देखो मैंने ये लिया है, अब ये कवर भी हो जाएंगे अच्छे से, कवर होने वाली चीज़ लीजिए तो अच्छी तरीके से अचार बन जाता है। ये देखिए ये 2 इतना बना है, देखिए ये अभी बनाया हुआ है, ये कवर करके रख दे रही हूँ और दूसरे दिन का बताती हूँ आपको। देखिए आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए होंगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, जो पुराने हैं उन्होंने लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और जो नए बच्चे होंगे जो नए होंगे हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने सब्सक्राइबर करिए, जिसको पसंद आता है तो हमारी फैमिली में जुड़िए, हमारी फैमिली बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दुआओं में याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।